हाँ तो भाई आज का मैच बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज है गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच मैच। और सबसे बड़ी बात है भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच हो रहा है। ये 17वां नंबर का मैच है अहमदाबाद में। जब जब मैच हुआ तब तो राइट आर्म मीडियम बॉलर जो है ना तहलका मचा कर रखा हुआ। आपको मैं दिखाता हूँ सामने प्रूफ है ना, उसके हिसाब से आप टीम में अपने बॉलर्स को सिलेक्ट करके लेके जाइएगा। देखिये मैच की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 अप्रैल 2024 7:30 PM ये मैच खेला जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं, आज का मैच जीतेगा कौन इन दोनों में से आपको कमेंट करके बताना है। प्लस में एक वीडियो को लाइक करके यहाँ से वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है, लाइक जरूर कर लीजिएगा भाई, आपके ऊपर भरोसा करके शुरू किया हूँ। ठीक ना, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं एक राज की बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले ये समझिए, समरी समझिए इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। मैच का डिटेल्स, पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी का पिच है भाई, तगड़े पिच है ना, चाहे शुभमन गिल के लिए हो चाहे राइट आर्म मीडियम बॉलर्स के लिए हो, बहुत तगड़े चलने वाले। उसके बाद स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस है ना, जो स्पेशल यहाँ के चलने वाले उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड जानेंगे भाई, पंजाब और गुजरात का क्या सिस्टम चलता है, दोनों का आपस में क्या तालमेल है ना। उसके बाद यहाँ पर ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स और प्लेयर बैटल भी समझेंगे हम लोग भाई, आखिर ये शिखर कौन इसको आउट कर सकता है, जो मेरे कह सकते हैं नसीब का कीड़ा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिस्की जीएल प्लेयर्स, जीएल एंड एसएल टीम भी आपको साथ में इस वीडियो में मैं दे देने वाला हूं। तो एक तरफ से अगर कहें तो फैंटेसी लवर के लिए पूरा ए टू जेड काम मैं आपको करके वीडियो में देने वाला हूं। देखिए मैं अगर बात बताऊं एक सच्चाई बात, तो ये जो इतने सारे जो है ना, ये फेक वाले, इसमें सिर्फ अपना ये अपना है, ठीक है, बाकी सब फेक वाला। लोग इससे ज्वाइन है, लोग पैसा दे रहे हैं, टीम दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। फिर हमारे पास कमेंट आके बोलते हैं भैया कि हम पैसा दिए, हमारा टीम चला नहीं आ रहा, कहा है पैसा दे रहे हो भाई, मत दो ना यार। मेरा देखिए फ्री का यहाँ पर टीम दिया जाता है, ठीक है, जितने लोग यहाँ ज्वाइन है फ्री में टीम पाते हैं, फ्री में प्लेइंग इलेवन पाते हैं, हर एक चीज ट्रम्प कार्ड वगैरह सब कुछ देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर फ्री में होता है। कैसे आपको ज्वाइन करना, नए लोग समझिए चीजों को, यहाँ मोर लिखा होगा आपको, जीटी वर्सेस पीबी केस जो है ना टाइटल लिखा हुआ ना, यहाँ पर ऐसा मोर लिखा हुआ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर क्या है, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है, इसमें टेलीग्राम का लिंक देखिए ये छिपा हुआ है, ठीक है, मैं दिया हूँ, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप मेरे साथ में ज्वाइन हो जाइए। ये फेक लोग के साथ में मतलब क्या ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ मेरे नाम पे कमाना जानते हैं बस। मैं जो यहाँ पर ऑथेंटिक ओरिजिनल काम कर रहा हूँ, रियल, जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ना फ्री जीएल एसएल टीम जो भी चीजें मैं करता हूँ आपके लिए, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो फ्री है ना, इसको भी देखिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि ये वीडियो में जो है ना जान मैं डाल लेता हूँ, ठीक ना। आप स्टेट्स देख के आप बुलाया कि हाँ भाई मेहनत करके लाता है ये बंदा, ठीक ना, आप देख के साथ समझ जाएंगे। अभी नहीं खेल बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, मगर देख लीजिए एक बार। बाकी इनसे मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा सावधान रहिए फेक लोगों से, पैसा देकर टीम खरीदना कहीं की बात नहीं है। अगर गट्स है, स्टेट्स मैं दे रहा हूँ, आप देखिए समझिए उसके बाद प्लेयर को चूज करिए और जीतिए। ऐसे शॉर्टकट रास्ता किसी के लिए भाई, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, मैं इतना बोलना चाहूंगा आपको, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। 2000-3000 में अगर आपको करोड़ों की कोई टीम दे रहा है तो वो अगला बेवकूफ है, चाहे तो आप बेवकूफ, बस दो में से एक है, बाकी और कोई नहीं है इसमें, ठीक है। इस चीज को, मेरा बात को समझिएगा, बाकी और आगे से समझदार आप लोग भैया है ना। तो लिंक कहाँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऊपर में ही दे दिया हूँ, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ओरिजिनल रियल टेलीग्राम, यहाँ आपसे कभी एक रुपया लिया नहीं जाएगा, अगर आप देते हैं उसका जिम्मेदार देखिए आप होंगे, मैं साफ मना करूंगा आपको पैसे नहीं देने, ठीक है। बाकी अगर नरेंद्र मोदी के पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखा 160 से 180 यहाँ पर एवरेज रन जो है कि बनने वाला है ना, 233 पे यहाँ पर 3 है और ये 102 पे यहाँ पर 10 विकेट भी गिर चुका है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। अगर बात करें यहाँ पर लास्ट मैच की तो जीटी वर्सेस एसआरएच का मैच हुआ था 31 मार्च 2024 को, जीटी इसके साथ क्या हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, सब कुछ यहाँ पर हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें सुटेबल फोर, तो ओवरऑल बैटिंग पिच देखिए है यहाँ का है ना गुड फॉर बैटिंग, ऑल्सो हेल्प फास्ट बॉलर्स। मैं तो यहाँ पर बैठ के स्टेडियम में देख चुका भाई, पिछला आईपीएल जो चेन्नई और गुजरात का हुआ था फाइनल, उसमें बैठ के देखा मैं, तो मैं समझता हूँ इस पिच के बारे में क्या इसका ज्यादा कंडीशन रह पाता है ना, कैसा पिच है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें विकेट्स की, जो मैं बोल रहा था 5 मैचों में अगर लास्ट आप देखेंगे तो स्पिनर्स को अगर लेके जाते हैं तो भाई देखिए थोड़ा सा रिस्क है, 12 विकेट सिर्फ मिलाएंगे, कितना 5 मैचों में कुछ कहलाता है भाई, और यही 5 मैचों में यहाँ पर पेसर्स को क्या है 51 विकेट मिल चुका है, तो भाई कमाल की चीज है ना ये, 51 विकेट है तो जाहिर सी बात अभी भी विकेट उनको मिलना, हाँ एक आध छठ छूट के विकेट 2-3 विकेट मिल जाए स्पिनर्स को वो बात देखिए अलग होता है, मगर ज्यादातर आप ये पेसर्स को ही लेकर जाना चाहेंगे और लेकर जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से। मगर इसमें भी देखिए कंडीशन होता है, पेसर्स में भी देखिए 4 क्वालिटी के पेसर्स हो जाते हैं और 4 क्वालिटी के जगह स्पिनर हो जाते हैं, जो कि मैं बांट बांट के लाता हूँ आगे मैं दिखाने वाला आपको, अब समझाऊंगा ये चीज कि भाई इसको मिला है विकेट, किसको मिला ऐसा कैसे जान पाएंगे है ना। एक चीज बता दो, राइट आर्म मीडियम को मिला, अब राइट आर्म मीडियम को देखेंगे तो भाई कौन है भाई, तो उसको देखने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा। उससे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर 162 पर देखिए 8, अगर फर्स्ट इनिंग में कोई टीम बनाया तो सेकंड इनिंग में 168 पे यहाँ पर 3 बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 168 पे यहाँ पर 6 है तो 162 पे 9 है, 214 पे 4 है तो यहाँ पर 171 पे
पांच है, 233 पे तीन है तो 171 पे यहाँ पर 10 विकेट है। ऐसा कुछ विकेट का रेशियो यहाँ पर गिरता है बनता है रन ऐसा चलता है, ठीक है ना। बाकी अगर टोटल मैच की बात करें, देखा यहाँ पर 29 मैच टोटल हो चुका है ना, जिसमें फर्स्ट वन किया है 15, सेकंड वन भी 15 किया, लगभग में ज्यादा वन वन में इसमें ये नहीं है, सेकंड नहीं फर्स्ट नहीं, मगर ज्यादातर मैटर करता है विकेट्स, भाई कौन विकेट लेके जा रहा है यहाँ पे बॉलर, है ना, फर्स्ट इनिंग में ले जा रहा है कि सेकंड इनिंग में जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा विकेट कम बेसी गिर रहा है आप देखेंगे तो, ज्यादातर देखेंगे सेकंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज्यादा गिरने का चांसेस दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न, तो देखा यहाँ पर 150 से नीचे 7 बार रन जो है कि बन चुका है, इतना भी शांत स्टेडियम नहीं है जितना समझा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिटवीन 150 से 169 8 है, और यहाँ पर 170 से 189 भी 8 बार बना, 190 से ऊपर भी यहाँ पर 6 बार बना हुआ रन। तो बताइए आज का रन किस टाइप का बन सकता है आपके हिसाब से, कितना मतलब कौन 150 से नीचे या 150 से 169 ऐसा क्या बन सकता है आपके हिसाब से, लगभग मतलब एवरेज में पूछ रहा हूँ आपसे, जरूर कमेंट करके बताइएगा जो भी आपके दिमाग से बन के आता हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कोई भी परफेक्ट बता सकता है अभी, ऐसा नहीं होता, मगर हाँ दिमाग का अपना जो उपज जो आदमी लगा सकता है। अब देखिए इन दोनों टीमों के बारे में अगर बात करें, टोटल मैच देखिए 3 हो चुका है, गुजरात जो कि 2 बार जीता है, पंजाब 1 बार जीता है, तो आज का मैच बताइए कौन जीतने वाला है ना, और सबसे अधिक पॉइंट इन दोनों टीमों में से कौन सा प्लेयर देने वाला, अगर आप अंदाजा लगा पाते तो ये सटीक ऑप्शन रहेगा। अगर ऐसा अंदाजा लगाया और ज्यादा लोग अगर उसी को लेकर चले तो मेरे हिसाब से सबका दिमाग बोला कि हाँ वो ज्यादा देगा ज्यादा देगा, तो उसको हम लोग क्या है टीम में सीबी देकर लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होगा अगर सभी लोग जवाब दिए तब, और नहीं तो फिर वही मिचमिचवा अलग काम है, तो फिर बातें अलग है, क्या कर सकता है आदमी, है ना, बोल नहीं बोल सकता है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए अगर बात करिए लास्ट 5 मैच की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर T20 में क्या हुआ है, जैसे ये पेसर्स का अगर मैं आंकड़े बताऊंगा आपको, तो राइट आर्म फास्ट को यहाँ पर देखिए 17 विकेट है, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 3 विकेट है, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा इस चीज को, राइट आर्म मीडियम को यहाँ पर 24 विकेट है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को क्या यहाँ पर 7 विकेट है, ठीक है। अब अगर कोई मान लीजिए स्पिनर्स को लेकर जाना चाहे, भाई स्पिनर्स हम लेके जब चाहे जो है तो हम लेके जब तो जब है ना, ऐसा अगर किया तो लेग ब्रेक को देखे यहाँ पर 6 विकेट मिला है 5 मैचों में, लेफ्ट आर्म चाइना मैन को है भाई यहाँ पर 3 विकेट मिला, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिला, ऑफ ब्रेक नाम का जो बॉलर है उसको तो बिल्कुल 1 भी विकेट नहीं मिला, ठीक है। ये 5 मैचों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी 6ठा मैच तो थोड़ा मतलब वो आगे पीछे हो सकता है मगर ज्यादा नहीं होगा। तो मेरा सजेशन माने ये अपना आप देखें जैसा भी हो, एक देखिए राइट आर्म मीडियम को इसको आप ट्राई कर सकते हैं, राइट आर्म फास्ट इसको आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ अगर सवाल आता है कुछ और अच्छा बेहतर, तो स्पिनर्स में भी एक आध स्पिनर्स रहे लेग ब्रेक को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। और पेसर्स में ये भी अगर कमाल का मिले कोई, है ना, ये भी ट्राई एक बार देखा जा सकता है, बाकी राइट आर्म मीडियम मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप नीचे उसको रख सकते हैं, है ना। तो बाकी इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब लाने में यार समय लगता है यार, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अपना लेट आता है, आप लोग बोलते हैं जल्दी, अरे कैसे जल्दी यार, अच्छा भी दो जल्दी भी दो, भाई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बराबर नहीं चल सकता, आप जान लीजिए, चाहे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा चाहे तो क्वालिटी बढ़ जाएगा, है ना। अगर भाई क्वालिटी लाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है मेहनत लगेगा टाइम लगेगा, तो भाई कैसे चलिए लाख एकदम मुर्गी लिए अंडा थोड़े तक गज 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 कर निकाले पड़े हर दिन यार। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप पहले ले लिए, चलिए आगे अगर चले यहाँ पर, तो देखिए रिसेंट फॉर्म अगर बात करें यहाँ पर मैच में जो इस वेन्यू कर रहा है, इसका भी वेन्यू का फॉर्म बोल सकते हैं, 31 मार्च 2024 को यह SRH वर्सेस GT का मैच हुआ था यहाँ पर, तो SRH देखिए 162 विकेट 20 ओवर में फर्स्ट बैटिंग करते हुए बनाए थे, जिसमें से GT 168 बनाए 3 विकेट और 19.3 ओवर मैच को जीत ले गया था, जिसमें पेसर्स को देखिए 5 विकेट मिला, स्पिनर्स को 2 विकेट मिला फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद फिर अगर सेकंड इनिंग आई जैसे कि, तो इसमें देखिए पेसर्स को 1 विकेट मिला, स्पिनर्स को 2 विकेट मिला। अब देखिए कौन पेसर्स फर्स्ट इनिंग किसका टीम है बताइए इसमें से, अगर मान लीजिए मैं लिख दिया आज मैं नहीं बताऊंगा कल मैं बताऊंगा इस चीज को, हालांकि मैं रोज बताता हूं आज मैं नहीं बताऊंगा, जानना चाहूंगा ये फर्स्ट इनिंग मान लीजिए किसकी टीम है, 5 विकेट और 2 विकेट 7 विकेट मिला, ये किसकी टीम है, बस ये लिखिएगा फर्स्ट इनिंग में किसकी टीम बैटिंग की है, बस ये सॉरी बॉलिंग की है, ओके। उसके बाद देखिए ये 2024 का एक और मैच है आपके सामने, GT वर्सेस MI। अब इसमें देखिए आपको बहुत चीज देखने को मिल गया, एक तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग समझ में आ गया कौन बॉलिंग कब कर रहा है, विकेट कितना पेसर कितना स्पिनर्स को मिल रहा है, कितना विकेट गिर रहा है। दूसरी आपको ये मिल गया कि मान लीजिए GT ये है अभी जैसे GT खेलने वाला पंजाब के साथ में, ये चेस करते समय ये इस टाइप का काम किया, ठीक है, SRH जैसा टीम के साथ में। उसके बाद यहाँ पर GT फिर से अगर चेस नहीं की, पहले रन बनाइए मान लीजिए टॉस जीत करके, इसमें क्या किया 168 6 विकेट 20 ओवर में, MI जो है 162 9 विकेट 20 ओवर मैच, तो मतलब GT पहले बैटिंग की हो चाहे पहले फील्डिंग की हो, दोनों का आपके आंकड़े आपके सामने आ गए कि इस टाइप का GT का रन माहौल बन सकता है, जिसमें 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 1 विकेट स्पिन यहाँ पर सेकंड इनिंग सॉरी फर्स्ट इनिंग में ही ले गया, बाकी फिर से पेसर्स यहाँ पर क्या 8 विकेट ले गया सेकंड इनिंग में, और फिर से स्पिनर जो है कि 1 ही विकेट ले गया, ठीक है। तो किसको लेकर चलना आज के मैच में, ज्यादातर पेसर्स को लेकर चलना है ना, मगर क्वालिटी के स्पिनर्स मिले तो छोड़ेंगे भी नहीं उतना जल्दी, आसानी नहीं है छोड़ना, मगर पेसर्स को ज्यादा लेकर जाएंगे। चले फिर आगे, समझ में आ गया चीज, इसका एक स्क्रीनशॉट अगर मानना चाहे तो मान लीजिए मैं क्लीन भी करते रहूँ आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले इसको याद करना, राइट आर्म मीडियम
राइट एंड फास्ट, है ना, इस चीज को याद करके चले, क्योंकि हम भी थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, अगला कहें इतना स्टेट से है ना कि बता बता के जो है ना आदमी पीछे का भूल जाता है, हम कौन है हम ही नहीं जानते ऐसा हो जाता है। तो पॉसिबल लाइन है आप देख पा रहे गुजरात टाइटंस का, इसका मतलब ये है कि अभी पॉसिबल ये खेलने की उम्मीद है ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बैटिंग करने ये सब आएंगे, है ना, जिसमें आपको ऑलराउंडर होगा, इसमें देखिए ऑलराउंडर ये है ना, इसमें आपको जिस जो जो ऑलराउंडर होगा इसमें आपको दिखाई दे जाएगा, हाँ बैट और बॉल साथ में, ये सारी चीजें हैं। बाकी जो फ्लाइट वाला मान लीजिए बाहर का खिलाड़ी, जिसमें फ्लाइट नहीं हो अंदर का खिलाड़ी, अरे हर एक चीज को हम देखिए बारीक से बारीक चीज को लाना चाहते हैं इस स्टेट्स में अपना, है ना, जितना मेहनत करना कर लो, ये अभी टाइम है ना मेहनत का यार, बाद में कहाँ कर पाएंगे ये सारी चीजें। अब देखिए ये क्या गुजरात टाइटंस का ये इम्पैक्ट प्लेयर, इसमें देखिए कौन खेलने आता है इसके बारे में आपको इसी स्टेट्स में देने वाला हूँ बाकायदे, मतलब स्टेट्स के साथ भी होगी, ये नहीं कि सिर्फ नाम बता दिया भाई साहब यहाँ पर अभिनव खेलेंगे चाहे मोहित खेलेंगे, ऐसा नहीं है ना, साथ में दिखाऊंगा कि आखिर कौन खेलने आ सकता है। अब देखिए विद्यमान शाह यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया, आखिर किसको लेकर चलना टीम में, किसको छोड़ना टीम में, क्यों लेना क्यों छोड़ना, ये चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे विद्यमान शाह की बात करें तो राइट हैंड बैटर ये एक बैटिंग करते हैं भाई, इसमें कह सकते हैं अपना कीपर भी है, जिसमें आईपीएल 2024 में 3 मैच खेले हैं, 65 रन 21.50 के पास एवरेज अभी बना हुआ है, जिसमें हेड टू हेड अगर मैच अगर बात करें पीबी केस के साथ में खेले तो कितना भाई 10 मैच खेले 218 रन और 24 के एवरेज इनके पास है। फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें तो देखिए 4 मैच में 73 रन है 18 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में अगर बात करें 6 मैच में 145 रन 29 का एवरेज इनके पास है, है ना, हेड टू हेड देखे तो लगा भाई भाई सेकंड इनिंग थोड़ा सा अच्छा है, बाकी यहाँ पर ग्राउंड पे अगर आप आते हैं तो 12 मैच खेल करके 252 रन और 21 का एवरेज इनके पास है, जिसमें कि 8 मैच खेले हैं फर्स्ट इनिंग में 197 रन 25 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 4 मैच खेल के 55 रन और 14 का एवरेज यहाँ पर ग्राउंड में इनके साथ में, है ना, बाकी रिसेंट फॉर्म देखिए 25 21 19 5 और 1। तो इस बार तो मैं चाहूंगा कि विद्यमान शाह अगर मान लीजिए पहले बैटिंग करने आए तो एक बार अगर हेड टू हेड देखे तो बहुत बहुत बेकार है, मगर फिर भी फॉर्म के हिसाब से बैटिंग करने आए तो लेके जाया जा सकता है, सेकंड इनिंग थोड़ा सा प्रेशर पड़ने पर लोड जो है ना दब सकता है, तो इसलिए ना ले जाए सेकंड इनिंग तो अच्छा रहेगा, इस वेन्यो के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, है ना, बाकी हेड टू हेड तो सेकंड इनिंग बंदे का थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, बाकी सेकंड इनिंग मत करिए, अगर थोड़ा सा मल्टीपल टीम बनाएंगे तो भाई सेकंड में भी आप ट्राई, फर्स्ट इनिंग में ट्राई मत करिए विद्वान शाह को, है ना, थोड़ा सा रिस्क लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनका 88% सिलेक्शन परसेंट है भाई, बहुत ज़्यादा है अगर बात करें हैसियत के हिसाब से, तो सच बता रहा हूँ मैं, है ना, ये भी आप रन देख ही सकते हैं कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बस स्टार्ट देते थोड़ा सा आगे। उसके बाद शुभमन गिल की अगर बात करें तो देखिए 3 मैच 75 और 25 के एवरेज इनके पास है, है ना, उसके बाद 10 मैच में 397 के एवरेज है, जिसमें 40 और 80 में एक कम, मान लो कितना बोलते हैं इसको 79 बोलते हैं ना हिंदी, पता नहीं कहाँ 79 को क्या बोलेंगे यार, 79 80 हाँ 79 होगा ये 79 है, ठीक है। उसके बाद एट ग्राउंड की अगर बात करें 14 मैच 736 61 का एवरेज, मतलब ग्राउंड इस बंदे के लिए कहें गिल के लिए बहुत अच्छा है ग्राउंड, ठीक है, इसमें भी देखिए 72 और 40 का एवरेज बना के मेंटेन रखा हुआ बंदा, 88% इनका भी सिलेक्शन परसेंट, बताइए सोच लीजिए दोनों में से कौन तगड़ा आपको दे सकता है, आप यहाँ से देखें ना 397 तो कहाँ 218 तो बराबर थोड़े हो जाता है यार, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली यार बराबर नहीं ले सकते उसको, ठीक है, 36 8 31 23 और 8, हाँ ये है कि गिल का थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मगर गिल अपना गिल में आ गया ना तो पंजाब अकेले धाराशाही कर सकता है बंदा, ये इतना आप जान लीजिए अकेले खत्म हो जाएगा पंजाब, है ना, तो गिल को हम छोड़ना नहीं पसंद करें, गिल को लेकर जाएंगे, बाकी शाह के लिए एक बार लेना एक बार देना छोड़ सकते हैं, एक बार कर सकते हैं शाह, है ना ओके गिल परफेक्ट रखिए अपने पास। उसके बाद अगर बात करें साई सुदर्शन, अब जैसे शाह को आप ड्रॉप करें तो साई सुदर्शन एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आ सकता है, क्योंकि इस बंदे का अभी 53 का यहाँ पर एवरेज है, हेड टू हेड भी देखें तो 59 का एवरेज है, और ओवरऑल इस आईपीएल भी देखें तो 42 का एवरेज मिला जुला करके है, बाकी ये फर्स्ट इनिंग में 65 है, सेकंड इनिंग 27 है, फर्स्ट इनिंग 61 है, सेकंड इनिंग में 33 है, मतलब फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर ये बंदा अच्छा काम करके दे सकता है आपको, है ना, तो फर्स्ट इनिंग ट्राई है मार सकते हैं इनको। उसके बाद यहाँ पर अजमतुल्ला उमराजी की बात करें, देखा 3 मैच में 3 विकेट 28 रन तो फिलहाल नहीं बना, वहाँ 3 विकेट लगभग में है, प्लेट मतलब नहीं है, नोट प्लेट हेड टू हेड कुछ नहीं है, हेड टू मतलब पंजाब के साथ में कुछ भी नहीं खेले अभी तक, 2 मैच 17 रन 3 विकेट है इस वेन्यू पे इनके साथ में, ठीक है। अब इसमें बात करें 1 11 पे 0 17 पे 2 है 3 पे 4 यहाँ पर 82% लोग लेकर टीम में जा रहा है, बाकी इनको 79% लोग टीम में लेकर जा रहा है, हालांकि ये सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग दोनों में आप ट्राई मार सकते हैं, पर ज्यादातर परफॉर्मेंस अच्छा आपको मिल सकता है फर्स्ट इनिंग के लिए, है ना, उस समय आप सीबीसी के लिए एक बार जा सकते हैं अगर मन हो तब, ठीक है। बाकी रही बात उमराजी की, तो उमराजी थोड़ा सा आप इसको रिस्की जीएल प्लेयर के तौर पे लेके जा सकते हो, उमराजी को 82% हालांकि बहुत ज्यादा ही है सिलेक्शन परसेंट, मगर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा अच्छा कारनामा भी है, लगभग मिला जुला के देखे तब
ठीक है, फर्स्ट इनिंग में रन भी कुछ बना हुआ है। तो उमराजी 2-1-2, उमराजी को एक बार ट्राई मारा जाए, है ना, क्योंकि दो बार से थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी डाउन हुआ है बंदे का, एक बार ट्राई मारते हैं। हालांकि पंजाब के साथ खेले नहीं है, कैसा परफॉर्मेंस है वो देखने वाली बात होगी, मगर एक बार ट्राई मारने के लायक बनता है, ठीक है उमराजी। उसके बाद डेविड मिलर का मतलब है कि भाई साहब बीच में आओ और धुन धन के जाओ, ये मिलर का सिस्टम है। और तीन मैच में 34-34 का ये एवरेज, मतलब ज्यादातर नाबाद ही रहते हैं ना, ये सिस्टम है देखा, यही है बस, ज्यादा नहीं नाबाद, ठीक है। बाकी 9 मैच में 210 है, 42 है, हाँ रिसेंट फॉर्म देखे तो 44-21-12-8 नबाद और 22 नबाद है, जिसमें आप देखेंगे तो भाई 11 नबाद ही है, 23 नबाद है, 33.50 का एवरेज है यहाँ पर, सेकंड इनिंग में 76 का एवरेज है। तो सेकंड इनिंग में एक बार चाहे तो मिलर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बस इतना जान लीजिए कि इनका काम है आओ जाओ तुम धान भोन भार करके चले जाओ, बस यही काम करना है इनके पास, ठीक है। और इनकी सिलेक्शन परसेंट भाई 45% लगभग में है, तो लगभग में ठीक ठाक जीएल के लिए पिक बन सकते हैं, ओके। बाकी विजय शंकर की बात करें तो देखा ये 3 मैच में 32, 5 मैच में 72 रन, 0 विकेट्स, 9 मैच में 135-45 का एवरेज, ज्यादातर मतलब वही इनका भी लास्ट वाला मामला चल रहा है ना, लास्ट में यही देख रहे हैं, कभी मिला कभी नहीं मिला। अगर मान ला गिल को नहीं लेना है तो गिल को नहीं लेंगे तो विजय शंकर को लेकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गिल जब रहेंगे तो गिल लंबा खेलेगा भाई साहब, कम से कम 6-8 ओवर मतलब अपने तो लेकर जाना ही जाना है अगर गिल खेले तब, और नहीं तो फिर इन लोगों को बैटिंग आराम से मिल जाएगा, समझ में आ रहा मामला ना। यहाँ तक लेने का मकसद मत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब ले लो, ये थोड़े मतलब होता है यार, ऐसे कैसे ले लेगा आदमी, तो ये है ऐसा नहीं, तो वही चीज़ मैं बोला गिल को अगर आप करते हैं आप आउट तो समझ लीजिए 3% देखिए सिलेक्शन परसेंट है इनका, ज़्यादा कर सकते हैं जीएल के लिए बहुत अच्छा आप ट्राई मार सकते हैं। बाकी 4 मैच में 88, 5 मैच में ये तो हमारे आ गया, जो खत्म हो गया यहाँ का मामला, हाँ हट गया 47 है, ठीक है। रन मतलब ये बना हुआ है, रन का उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मगर फिर भी आप चाहें तो गिल को आउट करके वहाँ पर आप ले सकते हैं, हालांकि लेने के लायक उतना बनता नहीं क्योंकि बहुत बाद में बैटिंग मिलता है। बाकी तेवतिया तो वही चीज़ है, तेवतिया का तो अभी फुल फॉर्म ही मतलब ड्रॉप है अपना कह सकते हैं, हालांकि लेग ब्रेक बॉलर है, मगर बात सवाल ये आता है कि भाई बॉलिंग मिला तो बहुत अच्छी बात है, मिल सकता है, मगर ये रिस्क वाला मामला होगा ना, बॉलिंग ही मिल सकता है ना बैटिंग ही मिल सकता है, भाई तेवतिया रखे होंगे क्या, और इसीलिए आपको देखिए 5% लोग लेकर टीम में जा रहा, बहुत कम चांस है कि भाई ज्यादा लोग फ्लॉप है, और ये अरे यार ये कहाँ से आ गया हड्डा हड्डी यार, अरे यार इसको तो बड़ा दिक्कत हो गया घर में आ गया। बाकी राशिद खान ये देखिए 3 में 3 है और 13 में 22 विकेट है राशिद खान का, मतलब कहे तो पंजाब के साथ में थोड़ा सा कट्टर दुश्मनी चलता है ना, 83% लोग लेकर टीम में जा रहा है, 6 में 9 विकेट, 7 में 13 विकेट, 4 में 5, 8 में 10 विकेट है यहाँ पर, मतलब हेड टू हेड बहुत तगड़ा है, सबको ले बीतने का थोड़ा सा दम कम है। बाकी 12 में 15 विकेट इस जगह पे भी लेके गए, अभी कौन भी लगभग में ठीक ठाक है, 1-2-0-1-1-4 यहाँ पर है, तो लेग ब्रेक के तौर पे एक राशिद खान को ट्राई कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए बोला थोड़ा सा जो क्वालिटी का मिले उसको हम लोग, ऐसा नहीं कि एकदम राइट एंड मीडियम तो वही लेके जाएंगे हमने, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखा जाता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये एक आप देख सकते हैं 13 में 22 यार बहुत अलग अंतर है भाई, अलग अंतर है, ठीक है। राशिद खान को आप बिल्कुल ट्राई करें। उसके बाद नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइना मैन की अगर बात करें, 8 में 8 विकेट है नूर अहमद का, यही बंदा शायद था कि मोहित था जो लास्ट में किसको चेन्नई को जिताया था पिछला सीजन में, यही था शायद कहा था, पता ध्यान में नहीं आ रहा उतना, ठीक है। बाकी अगर बात करें 2 में 1-6 में 7 विकेट, 17% लोग लेके जा रहे टीम में, तो हम नहीं लेके जाना चाहेंगे इस बार, ठीक है। अगर नूर अहमद की बात करें तो उतना हालांकि है लगभग में, मगर थोड़ा सा ड्रॉप करके लेके चलेंगे, क्योंकि यार उमेश यादव जर में राइट आर्म फास्ट और 21 में 34 विकेट है, 3 में 3 विकेट इस बंदे पर है, जिसमें 1-0-2-1-2-5% लोग लेके जा रहा है टीम में, अच्छा भाई साहब 17 में 28, 4 में 6, 2 में 1, 1 में 2 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं ना, फर्स्ट इनिंग थोड़ा सा देखा जाए तो जाए उमेश यादव, मगर एक चीज देखेंगे हम लोग उमेश यादव कितना बॉलिंग मिल रहा है, कितना ओवर मिल रहा है और कब मिल रहा है, ये चीज़ पहले देखते हैं, उसके बाद ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा वो करिए, क्या बोलते हैं उसको, पेंडिंग बोलते हैं, पेंडिंग में रखिए थोड़ा सा ना, सब्स्टिट्यूट में रखिए अभी। उसके बाद अगर बात करें, हाँ दर्शन की बात करें भाई, दर्शन राइट आर्म फास्ट मीडियम, 1 में 2, 1 में 0 दर्शन भैया 1% सिलेक्शन परसेंट है, 0-0-1-0-2 उतना कुछ जबरदस्त नहीं दिख रहा, छोड़ सकते हैं ठीक है, क्योंकि बहुत धुनाई करता है सब, भले मैच में 2 विकेट ले गए मगर 12 रन प्रति ओवर खर्चा हुआ है भाई साहब। मोहित शर्मा अगर खेलने आते हैं, हालांकि इम्पैक्ट में आएंगे ही है, तो 7 में 9 है, 9 में 25, मतलब इनका ये ग्राउंड है कह सकते एकदम, मतलब यही लगता है पैदा उदा होकर यही खेलवे किया, देख रहे 9 में 25 विकेट, बहुत बड़ी एक चेक कर सकते हैं बात है। बाकी 3 में 6 विकेट, इस आईपीएल भी अच्छा आगाज है। बाकी 3-1-2-0-0 यहाँ पर है, बाकी ये रिसेंट फॉर्म आप इस जगह पे देख सकते हैं, 3 में 5, 4 में 4, 2 में 5, 7 में 20, अरे
अरे भाई कहाँ है भाई सेकेंड इनिंग अगर मान लीजिए इनकी टीम पहले बैटिंग कर ले उसके बाद आप मोहित शर्मा को ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार सीबीसीबी दे दीजिएगा, 83% लोग टीम में लेके जा रहा है, मगर साथ में 20 विकेट भाई कचोट के लेके जा रहा है भाई। अकेले पंजाब को हमको लगता है कि आउट करने का दम खम इसमें है, इस बंदे में। एक ये बंदा दिखा हमको, एक अपना गिल दिखा, दो अपने को ज्यादा इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, और ये दोनों को सीबीसीबी ट्रायल दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इनकी सिलेक्शन परसेंट क्या 83, हालांकि ठीक ठाक है भाई, अच्छा है तो लेके जाइए, करेगा सब, मगर सेकंड इनिंग खासकर ज्यादा बम बम, ठीक है। बेंच प्लेयर से ये है, अब कल जो आता है समझ में आ ही जाए कौन बेंच का, अभी उतना बारे में बात नहीं करना जरूरी है। उसके बाद देखिए ये क्या है भाई साहब, स्टार्टिंग एंड बेक ओवर जैसे कौन कर रहा प्ले पावर प्ले में, इसमें आपको उमराजी 1-3-5 देगा, ये थोड़ा सा कमी है बस, है। उसके बाद उमेश यादव 2-4 है, उसके बाद राशिद खान 6 नंबर का कर रहेगा, ये लोग पावर प्ले को खत्म कर देते हैं। अब मेरी बात अगर करें थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ उस चीज के बारे में, उमेश यादव 15 ओवर कर जाएंगे फिर लास्ट में, मतलब फिर यहाँ पर दर्शन 16वां और 19वां करेंगे, राशिद खान यहाँ पर 17वां करेंगे, मोहित शर्मा 18वां और 20 करेंगे, इसलिए ज्यादातर विकेट इनको मिल भी जाता है इनको, ठीक है। तो सवाल देखिए दर्शन का भी उतना खराब ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये 16वां और 19वां ओवर भी थोड़ा सा अच्छा ही होता है मिला जुला कहें तब, है ना। राशिद खान तो ठीक है, मतलब ये अपना ओवर बंद हो जाएगा, इसमें चाहे तो ठोकाई हो ही जाएगा चाहे तो बच ही जाएगा जो भी टीम होगा सामने, है ना। बाकी उमराजी के लिए यही 1-3 या 5 मतलब 3 ओवर तो मतलब इनका पावर प्ले भी खत्म होता है। अब इनको लेने का मकसद क्या है तो मैं बताया आपको, आगे लेना है कि नहीं लेना, क्यों लेना है, क्यों छोड़ना, बाकी इन लोगों का तो फिक्स है, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये तो लेके चलना है। बाकी उमराजी के लिए बनता है एक बात करना, उससे पहले आप देखें यहाँ प्लेयर बैटल, मतलब कौन किसको आउट ज्यादा कर सकता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें वाशिंगटन, ये सॉरी विद्वान शाह की, तो रबाड़ा भाई 29 बॉल 46 रन 3 बार आउट किया है, थोड़ा सा रबाड़ा से इनको बचना पड़ेगा, है ना। हर्षद पटेल 8 बॉल 14 रन और 2 बार आउट किए, ठीक है। उसके बाद अगर साई सुदर्शन की बात करते, इनको 1-1 बार आउट किया, हालांकि रन लगभग में बना के गए हैं। गिल के लिए कौन कौन है भाई, तो गिल में भी देखिए रबाड़ा 43 रन दिया, हालांकि 2 बार आउट किया इतना में, है ना। बाकी यहाँ पर सिंह साहब है, पटेल है, करण है और चहर, ये 4 भी 2 बार आउट किया, मगर 75 रन देखा तो उतना ज्यादा खास फर्क नहीं बनता है। बाकी रबाड़ा इनको भी आउट किया, किसको, डेविड मिलर, रबाड़ा स्पेशल यहाँ पर बन जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इससे पता चलेगा। देखिए विद्वान शाह, इसलिए मैं बोला कि इसके बाद थोड़ा सा रबाड़ा का बस 3 बार का अनुभव है, तो 4th बार भी कर सकता है, और जो कि बहुत कम बॉल में 29 बॉल में 3 बार, तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा मतलब वो गेम चलने वाला है। हालांकि रबाड़ा को देखते हैं कि कब ये बॉलिंग करने आते हैं, हालांकि स्टार्टिंग नहीं आते हैं बॉलिंग करने, देख लेंगे आगे हम, है ना। पंजाब किंग्स की अगर बात करें पॉसिबल लाइनअप, इनका भी वही सिस्टम है 1-2-3-4-5। सवाल ये आता है कि देखिए यहाँ पर उमर जाई को लेने का बात हो रहे थे, तो भाई ये शिखर धवन है, ये जॉनी ब्रिस्टो है। अब आपको पता है कि भाई शिखर धवन तो हमारे टीम में रहते नहीं, तो हमारे लिए उमर जाई परफेक्ट हो सकते हैं, मगर आप अगर शिखर धवन को भी रख रहे हैं टीम में और जॉनी ब्रिस्टो को भी टीम में रख रहे हैं, तो उमर जाई आपके लिए 1-3 ओवर फेंक के चले जाएंगे, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नहीं तो अगर रखते हैं इनको, अगर विकेट गिरेगा तो आप ही के टीम से गिरेगा विकेट, और नहीं मिला विकेट तो उमर जाई आपके लिए मतलब कह सकते हैं बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए उमर जाई को लेना और छोड़ना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी इनका आइए जानते हैं स्टेटस क्या है, उससे पहले इंपैक्ट प्लेयर, अब इसमें कौन आएगा खेलने उसके बारे में आगे बात करेंगे विथ स्टेट्स के साथ में। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिखर धवन है, जो कि हम बात ज्यादा नहीं करना चाहेंगे इनके बारे में, क्योंकि यही मेरा असली दुश्मन है कह सकते हैं पंजाब की तरफ से, जो मेरे को हरा सकता है चाहे तो जिता सकता है, पिछला बार मैं हार गया था, ठीक है। इस बार बस यही उम्मीद है कि देखता हूँ क्या है, कौन इनको हरा सकता है भाई, कौन मतलब आउट कर सकता है। तो भाई 3 मैच 137 रन 45.50 का एवरेज, दुश्मन तगड़ा है ना। अगर हेड टू हेड बात करें 3 मैच 105 रन 52.50 का एवरेज, पसीना छूट रहा है मेरा, बाकी 94% लेकर टीम में जा रहा है ना। 2 मैच 43 रन और 21.50 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में यही 62.50 मारे हैं। उसके बाद अगर ग्राउंड की बात करें 3 मैच 121 रन 60.50 का एवरेज, बाकी 3 मैच में 121 रन 60.50 का एवरेज भाई सेकंड इनिंग में अच्छा ग्राउंड पे है, बाकी फर्स्ट इनिंग का डाटा इनके पास नहीं है। अभी रिसेंट फॉर्म 70-45 यही था जो मेरे को अकेला एक तरफ हरा दिया बंदा पिछला मैच में, 45-22 17 और 0। तो सवाल यह था कि आपको टीम में रखना है कि नहीं रखना है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। बाकी मेरे टीम में ये तो बैन है, जब तक उमर रहेगा तब तक बैन है, ठीक है। अब सवाल यह है कि मैं देखिए उमर जाई को लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए विकेट इनका, ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, अगर हुआ तो सही है, नहीं तो फिर हम
गए, ऐसे भी जा रहे हैं ऐसे भी जाएंगे भाई, लेके जाए चाहे देखे जाए, ठीक है। इसलिए मैं उमर जाए को लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद अगर बात करें जॉनी ब्रिस्टो के लिए, तो भाई 3 मैच में 59.50 का एवरेज है, 2 मैच में 9 रन, बहुत बिल्कुल बेकार खराब मतलब है बना हुआ कर सकते हैं। अब चाहे तो इनको लेकर के इनको ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं, मेरे को तो लेना ही नहीं है, तो बातें अलग है ना। नॉट प्लेट की बात ये यहाँ पर अगर बात करें, इट ग्राउंड में तो कुछ खेले ही नहीं है। बाकी देखिए 42, 8, 9, 73 और 12 है, ठीक है, 71% लोड लेकर टीम में जा रहा है। ये कुछ देख सकते हैं, 1 मैच में 8 रन, 1 मैच में 1 रन, मतलब मेरे लिए यही नसीब में, आपके लिए ये लेके जाइए आराम से खुशी खुशी, ठीक है। खैर देखेंगे, गब्बर गब्बर तगड़ा है भाई, अभी मतलब अपना दुश्मन तगड़ा वाला सामने है। खैर कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं इसमें, सोचिए खुद से आप, ठीक है। मैं तो उमर जाई को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए इनका विकेट, चाहे तो इनका विकेट चाहिए, मैं तो चाहूँ तो दोनों को एक बार ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि इनके अंदर ऐसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर हाँ, सिंगल टीम अगर लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा इनको, ठीक है। हाँ, मल्टीपल रहेगा तब इनको ड्रॉप करूंगा मैं, इस चीज को मैं देखूंगा, है ना, क्योंकि वो आगे से स्टार्ट है, गिर सकते हैं, ये क्या तो ये भी। ओके, बाकी शिखर के बारे में आप समझ लीजिए क्या करना है। उसके बाद प्रभा सिमरन सिंह की बात करें, तो देखिए 3 मैच 70-23 का एवरेज है, 1 में 0, मेरे नसीबा में सब वैसा नहीं क्या यार, 2, 19, 9.5 का एवरेज हो गया, 19, 25, 26, 31, 44 लगे प्रभा सिमरन सिंह, ठीक है, माना कि बेकार बेकार सब है, रिसेंट थोड़ा सा हमारा लायक सही है भैया, लेके जाएंगे अपनी टीम में हम, ठीक है। 13% लोग लेके जा रहा है, अच्छा मेरे लिए ऑप्शन बन सकता है ये, ठीक है, लेके जाऊंगा मैं इस बार, मैं रिस्क लेके जाऊंगा इस बार, देखूंगा। बाकी टॉम ये सॉरी सैम करन की बात करें, 3 मैच में 4, 86 रन, 1 में 22 में 1 है, वेन्यू पर नोट प्लेट है, कुछ खेल नहीं है, बाकी 97% लोग लेके जा रहा है भाई, कमाल नहीं है ये, मतलब मजाक बना के सब रख के ले गया भाई। 0 में 3, 23 में 1, 63 पर 0, अच्छा ठीक है, एक तरह से कहे तो बढ़िया एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। चलिए फिर मैं अपनी टीम में रखता हूँ इनको, ठीक है, 97% एक्ट्रो लेकर चलना भी जरूरी है। ओके, एक में रखता हूँ इनको, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा कला ज़्यादा है, अगर पिछला आईपीएल की बात करें तो कुछ नहीं था, मगर यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, इस आईपीएल में थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जितेश शर्मा 3, 3 में 48, 24 नॉट प्लेट, 33% लोग लेके जा रहा है टीम। हालांकि देखिए एक तरह से बता रहा हूँ, अगर ब्रिस्टो और शिखर आउट हुआ तो फिर पंजाब का धर धर हो जाएगा, फिर ये जान लीजिए, उसके बाद यही सब है जो कुछ कुछ कर पाएगा। तो बड़ा ध्यान से टीम में आप भी रोटेट करके लीजिएगा तो मेरे हिसाब से अच्छा रहने वाला है आपके लिए भी, ठीक है, क्योंकि मोहिता जो है ना बहुत खतरनाक है। लैम लिंगस्टन का ठीक है, लगभग में ये बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत तेज शॉट खेलने का दम है, इतना मैं बोलूँगा। तो ये तो फिक्स बनते हैं अपनी टीम में, जो कि 58% लोग लेके गए हैं, थोड़ा सा कम है हिसाब से अगर देखें तब। अगर मान लीजिए वो दोनों आउट हुआ, फिर कौन है, यही लोग ना संभाल लो ना, तो इसलिए मेरे को लैम लिंगस्टन चाहिए, और प्लस में सीबीसी में लैम लिंगस्टन को देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास शिखर का ऑप्शन नहीं है। ओके, उसके बाद जितेश शर्मा देखा है, थोड़ा सा मामूली बात नहीं है, इसको सेलेक्ट कर लेना ऐसे। जितेश शर्मा के लिए मैं तो बोलूँगा टॉस का इंतजार कर लीजिए, टॉस पहले बैटिंग कौन कर रही है उसके हिसाब से आप टीम में लेना और देना कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लैम लिंगस्टन को मैं टीम में रखने वाला हूँ। हर्षल पटेल की बात करें, 3 मैच में 1 विकेट सिर्फ लेके गया, उतना तगड़ा नहीं है अगर बात करें तब। बाकी 11% लोग लेके जा रहा है टीम में, 3 में 3 विकेट, 11.5 का इकॉनमी अच्छा, 0, 1, 2, 3, 1। हरप्रीत बर्रार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बर्रार का 2, 3 में 3 है, अरे यार 2 में 4 विकेट है, मतलब इस मेन्यू पर कुछ लगभग भी ठीक ठाक है मिला जुला करें तो, यही 2 में 4 विकेट होगी, सेकेंड इनिंग मिला हुआ, फर्स्ट इनिंग तो मतलब ही नहीं बनता, बाकी इनका 20% है। तो हर्षल पटेल को मैं टीम में लेकर के जाना चाहूंगा आज, क्योंकि पिछला बार फ्लॉप भी हुआ था, 11% ठीक ठाक मेरे हिसाब से एवरेज मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ, हेड टू हेड में थोड़ा सा अच्छा मजाक किया हुआ बंदा, मगर फिर भी लेके जाऊंगा। उसके बाद बरार के लिए बात करें, थोड़ा सा बरार का जो बरार का पेड़ देखे कि नहीं है, बरियार बरार का तो बोलते हैं गाँव देहात में ना, देखे कि नहीं वही चीज़ें। हाँ, ये है कि इकोनॉमी बंदे का बहुत सॉलिड है भाई, देख रहे हैं 4.5-5.5 यही का इकोनॉमी, बस इतना ही कर रन देता है, ज़्यादा नहीं, विकेट्स मिले ना मिले वो बात की बात है, मगर रन के वाले बात करें भाई बहुत तगड़ा है, इससे अच्छा बॉलर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, 20% है। हालांकि बरार को भी मैं सेकंड इनिंग में ट्राई बिल्कुल कर लूँगा, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा छोड़ कर जाना चाहूँगा मैं, ठीक है ना। कागेश्वर रबाड़ा की बात करें, देखा 3 में 7 विकेट है, मतलब गुजरात के लिए थोड़ा सा तूफान है कह सकते हैं, और 3 में 4 विकेट हेड टू ये सॉरी इस ग्राउंड पर है, ठीक है, 48% लेके जा रहा है टीम में, तो रबाड़ा मेरी टीम में रहने वाला है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है भाई कुछ, इसलिए मैं लेके जाऊंगा। राइट आर्म फास्ट भी है ना, 1, 2, 2 है, हालांकि हर दिन विकेट आपको मिलेगा, बाकी ये लास्ट एक है 0। उसके बाद अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, अर्शदीप सिंह भी देखिए 3 में 4, 3 में 2,
एक में एक है, उसके बाद 2-0, 2-3-0 61% लेके जा रहा था। और संदीप को थोड़ा सा रोकेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि भाई इधर से स्टार्टिंग एंड डेथ कब कितना है। हालांकि संदीप स्टार्टिंग करेंगे वह कितना ओवर कर, ये चीज़ देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर करेंगे तो भाई हम गिल को लेके जा रहे हैं, उसके बाद साई को लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को मुश्किल आ सकता है, इसलिए मैं संदीप के लिए थोड़ा सा देखना चाहूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर राहुल चहर भाई चहर में जहर नहीं आ रहा, ठीक है, लेग ब्रेक है तो चहर को जहर अभी नहीं देने वाले। यहाँ पर अगर बात करें सैनिक सिंह की बात करें तो इनका देखिए ये 3-30, 1-25, कभी कभार ये भी उतना कुछ खास नहीं है, 1% लेकर टीम में जा रहा है, तो सोच ही सकते हैं क्या है, ठीक है, ये इम्पैक्ट में है। बाकी ये देख सकते हैं ये क्या है, बेंच प्लेयर्स, मतलब नहीं मतलब आपको देखने का भी, ठीक है, इसको हम कुछ दिन बाद हटा भी देंगे अगर मूड खराब हुआ मेरा, तब इसके बजाय कुछ और नया चीज़ लाऊंगा, है ना, बाकी अभी नहीं, अभी तो चलेगा कुछ दिन तक। बाकी ये देख सकते हैं आप स्टार्टिंग एंड डेथ, यही मैं बोल रहा था आपको, सेम करंट हो जाएंगे स्टार्टिंग डेथ में, मतलब फर्स्ट में, ठीक है, एक नंबर फेंकेंगे फिर छठा नंबर फेंकेंगे, ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन एक है। और संदीप सिंह हो जाएंगे 2 और 4, उसके बाद कागेश्वर रबाड़ा हो जाएंगे 3 और 5, तो भाई थोड़ा सा चाहे तो इसमें है आप और संदीप सिंह, चाहे सेम करण, चाहे कागेश्वर रबाड़ा, दोनों में से किसी, ये तीनों में से किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप अपने बॉलर से बॉल नहीं फेंकवा सकते, ठीक है। और उसके बाद नीचे बात करें तो 15वां नंबर पर बरार है, कागेश्वर रबाड़ा 16वां पे करेंगे, सैम करण 17वां 19वां करेंगे, हर्षल पटेल यहाँ पर 18वां 20वां करेंगे। तो भाई सवाल अर्षदीप पे खड़ा हो रहा है, बस ज़्यादातर सवाल अर्षदीप पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों को तो इंडिंग में मिल रहा है, मतलब अर्षदीप को क्या मिल रहा है इसमें, कहीं पर नहीं मिल पा रहा, बहुत कम चांस है, ठीक है, नया बॉल से संभालना इन्हें काम है। तो एक आध विकेट अगर इनका आना है तो एक आध विकेट चाहिए, जैसे ट्रेंट बोल्ट अपना है ना, बस उस टाइप का इनका भी सिस्टम है, हमको अगर नया बॉल दोगे तो हमको विकेट चाहिए। अब किसका विकेट भैया, चाहे तो सहा चाहे तो गिल, टाय टाय फेस होने वाले दोनों में से एक कोई भी, तो हिसाब से थोड़ा सा रखने का। ओके, बाकी इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, हो गया। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो शिखर धवन, हालांकि फिर से ले लीजिए स्क्रीन शॉट, हो सकता है यहाँ पर आप ढक गए होंगे, है ना, हो गया। चलिए फिर अब यहाँ पर शिखर धवन को कौन कौन आउट करता है भाई, राशिद खान भैया मतलब रिक्वेस्ट बा आउट कर दा क्योंकि हमारा टीम में ना रही है शिखर धवन 56 बॉल 53 रन देकर 4 बार आउट किया भाई, मजा आ जाएगा हुआ तो। मोहित शर्मा 4 बार आउट, हाँ, उमेश यादव भाई इसको तो बहुत मारा भाई, 92 बॉल 103 रन मार, कुछ के मारा मतलब कह सकते इसको, ठीक है, कुचला एकदम कुचला जी संदम। लिंगस्टन के लिए भी राशिद खान है, तो राशिद खान इसलिए मैं बोला थोड़ा सा सीबीसी के लिए ट्राई मारा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नूर अहमद वगैरह भी 2 बार आउट, अरे भाई कहा है यार, मजाक है कहा, 5 बॉल 6 रन 2 बार आउट किया भाई देखिएगा नूर अहमद को लेने के बाद लिविंगस्टन को आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। जॉनी बेस्टो इनके लिए भाई साहब तेवतिया, इनका भाव 6 बॉल 6 रन 2 बार आउट तेवतिया। सेम करण के लिए कौन है, मोहित शर्मा है भाई, उस समय को मोहित शर्मा का ही बॉलिंग आ जाता है, तो ये कुछ आपके लिए प्लेयर बैटल है, मतलब मैचअप कौन किसको आउट कर सकता है। तो गब्बर का टक्कर थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, मगर वही चीज़ है दोनों में से कोई एठो आ जावे उस समय तक, तब तक रन गब्बर बना लेता है यार, वही तो प्रॉब्लम है अपने साथ, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जितेश शर्मा को कौन आउट कर सकता है भाई, तो देखा था ये नालकंडे और शर्मा दोनों आए, एक एक बार देखिए दो दो एक एक बॉल पर आउट किया जितेश शर्मा को, ठीक है। उसके बाद ये आपके लिए टेलीग्राम है जो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं हम टीम, यहाँ पर आइए और टीम फ्री में लेकर के जाइए, हर तरह का एक्सपेरिमेंट के साथ में आपको टीम दिया जाता है यहाँ पर बिल्कुल फ्री, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पैसे आपसे बिल्कुल नहीं लिए जाते। ओके, बाकी ये टीम आपके लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे पहले बात करें जीएल ट्रंप प्लेयर की, भाई किसको ट्रंप में डाला जा सकता है, देखिए प्रभा सिमरन सिंह है ये, है ना, उसके बाद यहाँ पर जितेश शर्मा हो जाएंगे, राहुल तेवतिया और हर्षल पटेल आपके लिए ट्रंप में जा सकते हैं। उसके बाद सेफ सीबीसी लेके जाना चाहेंगे तो सेम करण, शिखर धवन, शुभमन गिल और उमराजी को आप सेफ में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये आपके लिए टीम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, जो आपको ना समझ में आए कमेंट बिल्कुल करिए भाई, हमने दूसरा जवाब दे देगा, आपको टेंशन नहीं उसका, मगर हम एक्टिव रहते हैं, आपका सबका सवाल हम पढ़ते हैं, जितना कल हमें ये सॉरी इसका क्या बोलते लेफ्ट आर्म चाइना मैन के बारे में सवाल किया था, सभी लोग लगभग जवाब दिए, बड़ा खुशी हुआ कि भाई चलो सब लोग सक्षम है जवाब देने में। तो आज भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आज बताइएगा दोनों टीमें से कौन मैच को जीतने वाला है आज, प्लस में जो भी आपको कमी लगती है इस वीडियो में, है ना, लंबा छोटा क्या जो भी हो सब आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपके हिसाब से हम ढलने को तैयार है ना, बताएंगे तब तो ढलेंगे ना। ओके, चलिए फिर वीडियो यहीं तक छोड़ता हूँ, पसंद आते बिल्कुल एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि कल भी आप तक नोटिफिकेशन दे रही है, वीडियो जाएगा तभी जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी। ओके, जरूर कर लीजिएगा, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, एक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, हो गया, चले फिर।
ठीक है, मिलते हैं टेलीग्राम पे ना, बाय बाय।